हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड आज सरस्वती देवी को मेरी तरफ से हैप्पी सरस्वती पूजा। जो भी पढ़ते हैं, जो भी स्टोरीज कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि मैं भी उस टाइम से गुजर चुकी हूँ एंड अभी भी है। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी सरस्वती पूजा। एंड सभी अच्छे रहें, खुश रहे, उनके आसपास के लोग भी खुश रहें, ये हमारे दिल से दुआ है। ओके, तो आप मेरे लुक से देख सकते हैं कि मैंने आज एक लुक क्रिएट किया है। मैंने बहुत इजी सिंपल लुक क्रिएट किया है सरस्वती पूजा से रिलेटेड, और हेयर मैंने बिल्कुल सिंपल रखे हैं एज यूजुअल। जैसे अभी मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसीलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ क्या है ना, बेबी मेरा बहुत छोटा है, कभी भी बुलावा आ जाता है नीचे से तो टाइम लगता है उसके लिए। तो मैंने सिंपल एज यूजुअल सरस्वती पूजा के लिए अपना लुक रखा है, कोई भी इजीली घर पे कर सकता है। मैंने थोड़ा सा आज अपने आईज के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, होप आप लोग उसे पसंद करें। वो सब आपको वीडियो में आके दिख जाएगा। आपको आगे की मेरी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बी कॉमेंट ऑल्सो। अगर आप कुछ चाहते हैं मैं कुछ अपने वीडियोज़ मतलब उस टॉपिक पर बनाऊँ, तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच जो भी हमें सपोर्ट करता है, मैं दिल से उन्हें थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि न्यू क्रिएटर्स के लिए ना बहुत ईजी नहीं होता है सब कुछ, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं बट बहुत कम अप्रिशिएट मिलता है। सो आई होप आप लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे एंड उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे जिस चीज़ के लिए हम इतना खुद को डेडिकेट कर रहे हैं। सो आगे आप वीडियो में देखिए मेरा लुक मैंने किस तरह से क्रिएट किया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप योर सेफ एंड सैनिटाइज, बिकॉज कोरोना अभी तक गया नहीं है, वो सबसे मस्ट 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 है। आज आप चाहिए बाहर बट थोड़ा प्रोटेक्शन लेके जाइए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप बताइए कैसा है। मैंने आज बहुत कुछ चेंज किया है। सो आगे मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच। पूजा के लिए रेडी हो रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा आज सरस्वती पूजा के लिए थोड़ा सा अलग से रेडी हो रही हूँ। ऑलरेडी मैंने अपना बेस कर लिया है, लाइक मैंने CTM रूटीन जो है वो फॉलो कर लिया है जो भी है, एंड फाउंडेशन थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया, ज़्यादा अप्लाई नहीं किया। मैंने थोड़ा सा स्किन कलर करेक्टर है वो यूज़ किया है, जो कि मेरे यहाँ पे एक बड़ा सा मार्क्स या स्कार हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, तो वो थोड़ा सा हाइड हो जाए। तो जस्ट आई यूज़ टुडे दैट वन ऑल्सो एंड करंट फेवरेट माई फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छी कवरेज देता है। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज क्या है, मुझे डेली वेज में नहीं चाहिए होता इतना कवरेज जितना है, ठीक है। दिस इज़ तो मैंने इससे अपना बेस रेडी किया है, काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। ज़्यादा आपको केकी केकी फील नहीं होगा। अभी जस्ट मैंने फाउंडेशन ही अप्लाई किया है, मुझे भी सेट करना है तो मैं इसे सेट करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने कहा थोड़ा मैं वीडियो, क्या होता है ना पूरा CTM रूटीन करो तो क्या होता है बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाता है, तो मुझे इतना लेंथी वीडियो नहीं करना था। सो मैंने CTM रूटीन अपना बेस क्लियर करने के बाद देन शूट कर रही हूँ। अभी मैं अपना जो फाउंडेशन है उसे सेट करती हूँ, देन आगे का बहुत मिनिमम मेकअप ही रखूँगी। पहले मैं अपने लिप मॉइस्चराइज कर लेती हूँ एंड करंट फेवरेट माई लिप मॉइस्चराइजर लैक्मे लिप लव, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम तक स्टे रहता है, तो आई जस्ट लव दिस राइट नाउ। को सेट करती हूँ, मेरा पता नहीं कैसे टूट गया, अभी है इसमें इसलिए मैं नया नहीं ले रही हूँ, तो अभी तो काफ़ी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करती ये सब, तो क्या होता है ना ये ऐसे ही रहता है, इसीलिए मैंने पहले इसको यूज़ कर लेती हूँ देन। एंड पाउडर भी मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, वैसे मेरी स्किन क्या है ना ऑयली है, तो मेरी स्किन का एक बेनिफिट क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना काफ़ी ग्लो ग्लो सा दिखता है। अभी वो सीरम की वजह से होता है या किस वजह से होता है, बट काफ़ी अच्छा ग्लो दिखता है थोड़ी देर के बाद, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मॉइस्चराइज़र वगैरह बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, जैसे क्या मेरा फेस ज़्यादा ऑयली ना लगे, क्योंकि मुझे फिर कंटिन्यू ना ये करना पड़ता है इसको। दिस वन बेस के लिए मैं ये वाला कलर ट्राई कर रही हूँ, ये वाला कलर,
यूज करने वाली हूँ। बेस करेंगे इसलिए रखा कि इससे थोड़ी आईलिड ना थोड़ी पॉप अप हो जाएगी, इसलिए होप आप लोगों को दिख रहा हो ये डिफरेंस। कैसे लग रहे हैं? मैं से थोड़ा सा स्मज कर लेती हूँ जिससे लुक क्रिएट हो जाए मेरा। तो अगर आपकी हुडेड आईज है ना, देन आप इस तरीके से काजल लगाइए जिससे कि सॉरी आईलाइनर लगाइए जिससे कि आपकी आंखें पॉप अप हो जाएंगी। मेरी आईज आप पहले देख रहे थे कितनी छोटी दिख रही थी, अभी देखिए इसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। तो जिनकी भी हुडेड आईज है, हुडेड आईज इन द सेंस जिनकी स्किन आईज के नीचे बहुत सारी रह जाती है वो हुडेड आईज होती है। तो आप अगर थोड़ा सा भी लाइक थिक आईलाइनर लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा, एंड अगर आपने आई मेकअप किया है तो वो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है। तो इसीलिए आईलाइनर आप जितना थिन करके लगाएंगे उतना बेस्ट है। थोड़ा सा आप इसे विंग देंगे तो ये आपकी आंखों को और पॉपअप करेगा। तो सो फाइनल दैट। तो मेरे पास ये ब्लू हेवन का, मेरे पास एक्चुअली मस्कारा ख़त्म हो गया था, ये मेरी सिस्टर इन लॉ का। देख सकते इस साइज में और इस साइज में बहुत डिफरेंस है। तो मस्कारा का ये फायदा है, मैं वैसे नहीं लगाती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ। मुझे कॉन्ट्रोल की जरूरत तो नहीं पड़ती है बट लगा लेते हैं। मैं पाउडर कॉन्ट्रोल यूज करती हूँ, इस वन पाउडर कॉन्ट्रोल मुझे वो नहीं पसंद है। एंड ये देखो हल्का हल्का जो होता है ना, मुझे इतना ही पसंद है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर क्या मेरे गाल बिल्कुल भरे भरे ऐसे चबी चबी से नहीं दिखते। मुझे चबी चबी गाल बहुत पसंद है, चबी चबी चिक होते हैं ना तो आपका लुक और अच्छा आता है। नाउ इट्स हाईलाइटर टाइम, सरस्वती पूजा है थोड़ा तो चमकना पड़ेगा। वैसे मैं बताऊँ आपको, मैं अगर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ब्लश तो मतलब टेक्निकली लगाना चाहिए अगर आपको फ्रेश फील करना, बट मैं क्या करती हूँ कुछ नहीं भी लगाया ना तो आई जस्ट समटाइम यूज़ हाईलाइटर, हाईलाइटर यूज़ कर लेती हूँ। उससे क्या है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हाईलाइटर एक्चुअली मेरे मेकअप का सबसे बेस्ट और फेवरेट पार्ट हाईलाइटर है। अपने वाटर लाइन में थोड़ा सा काजल यूज कर लूँ। नीचे मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज किया, थोड़ा सा
लिविंग ग्लास यूज करने वाली, मेरी मॉम ने। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऑर्नामेंट यूज करी हूँ, इयररिंग यूज करी हूँ। मैंने वैसे बन बनाया है, सो दिस इज माई फाइनल लुक। होप देखिए होप आप लोगों को मेरे लुक अच्छा लगा।